जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है हम क्वेश्चन ईयर 2000 ठीक है यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का जो है यह क्वेश्चन पेपर है, इसे हम अपने नोट्स के माध्यम से रीड करके यह समझने का प्रयास करेंगे कि विगत वर्षों में किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ईयर 2000 पेपर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज ठीक है। इसमें जो है हम पेपर वन का सेक्शन ए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें जो है हम सेक्शन बी का क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर वन में जो है चार प्रश्न हैं, ए बी एन सी डी। इन चार प्रश्नों में 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, कमेंट ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन ए, शेयर्ड रूल टू बी एज इम्पॉर्टेंट एज सेफ सेल्फ रूल। देखो यहाँ कहा जा रहा है कि जो शेयर्ड रूल है ठीक है वह उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे कि स्वयं का रूल है, जैसे स्वराज वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है। इन एक्सप्लेनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फेडरल पावर शेयरिंग, और फेडरलिज्म में जहाँ संघवाद होता है वहाँ मुख्यतः शक्ति का ही बंटवारा होता है, शक्ति का ही साझा किया जाता है ताकि दूसरे लोग भी जो है कि सहभागिता हो और सत्ता में वह भी जो है सम्मिलित हो ठीक है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि शेयर्ड जो रूल है ठीक है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं का शासन हो, सेल्फ रूल ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर वन बी, देख लो, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। महिला सशक्तिकरण, भारत में किस प्रकार का महिला सशक्तिकरण हुआ है और उसका प्रभाव भारत के ऊपर क्या पड़ा है, इम्पैक्ट क्या पड़ा है। अभी रिसेंटली देखो भारत सरकार ने और मोदी जी ने जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पारित किए हैं, जिसमें कि संसद में मतलब लोकसभा, राज्यसभा और फिर आपके राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें एक तिहाई सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण में मैंने एक उदाहरण देकर समझाया, उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है, इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होगी, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ बढ़ेगा। तो जो वुमेन्स के कंसर्न और इश्यूज हैं वो और जो है पब्लिक डोमेन और संसद के पटल पर उस पर विवाद विमर्श विचार और गहराएगा ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन। भ्रष्टाचार, सही बातें हैं, भ्रष्टाचार के बारे में तो हम लोगों को मालूम ही है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है समाज को खोखला करता है ठीक है। सामाजिक एकता, अखंडता और एक प्रकार से कह सकते हो कि जो सामाजिक न्याय है उसमें वो, और सामाजिक जो विकास है उसमें वो बाधा पहुँचाने का कार्य करता है ठीक है। तो मोदी जी हमेशा जो है करप्शन फ्री इंडिया की बात करते हैं ठीक है, और उसमें प्रयासरत हैं, जैसे DBT ट्रांसफ़र वगैरह हो गया, आधार से लिंक करना हो गया ठीक है, ये सब माध्यम हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर सी हो गया, अब हम क्वेश्चन डी पढ़ते हैं कि कास्ट एंड रिलीजन एज ऑपरेटिव फैक्टर विथ इंडियन पॉलिसी। कास्ट एंड रिलीजन, कई बार क्वेश्चन कास्टिज्म से पूछा गया है, और कास्ट एंड रिलीजन जब तक भारत की राजनीति रहेगी तब तक जो है कास्टिज्म के ऊपर जो है प्रश्न आएंगे, और ये एक बड़ा फैक्टर है, इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी हैं और बहुत सारे सकारात्मक भी प्रभाव हैं ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि किस प्रकार से धर्म और जाति राजनीति को प्रभावित करती है और खास करके भारतीय राजनीति में इसका क्या योगदान है, इसे हमें लिखना है। तो क्वेश्चन वन का ए बी एन सी डी चारों प्रश्न हमने देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ सरकार या कमीशन। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकार या कमीशन हो गया, पुंछी कमीशन हो गया, अशोक मेहता कमेटी हो गए ठीक है, सेकंड ARC रिपोर्ट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है UPSC के दृष्टिकोण से ठीक है। तो साइलेंट फीचर किस चीज़ का पूछा जा रहा है, सरकार या कमीशन रिपोर्ट का ठीक है, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है ठीक है, मतलब संघवाद से संबंधित है। तो संघवाद को लेकर जो है सरकार या कमीशन, पुंछी कमीशन वगैरह बैठाया गया था, तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं या फिर इसके क्या क्या रिपोर्ट के रिकमेंडेशन हैं वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यह स्टेट की ऑटोनोमी, स्टेट की स्वायत्तता के ऊपर जो इन्होंने जो प्रकाश डाला था उस पर आपको विशेष बल देते हुए इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो कि क्रिटिकली इवैल्यूएट
वेबर्स आइडिया ऑन ब्यूरोक्रेसी, जो मार्क्स वेबर हैं उनके आइडिया और ब्यूरोक्रेसी के आइडिया के लिए ही मार्क्स वेबर जो है बहुत प्रचलित हैं। तो उनके आइडियाज़ जो हैं, उनके जो कह सकते हो कि पॉइंट आउट जो उन्होंने किया है प्रशासनिक सेवा से संबंधित जो उनके विचार हैं उनके बारे में हैं, और साथ साथ हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेबरियन मॉडल फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। और मार्क्स वेबर के जो सिद्धांत हैं वो जो है उसको आपको हाईलाइट करना है, उस खास करके भारत के कंटेक्स्ट में, ठीक है, कि कितना महत्वपूर्ण, कितना सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंट है मार्क्स वेबर का सिद्धांत भारत के प्रशासनिक जो है क्रियाओं के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब हम क्वेश्चन फोर की बात करते हैं, द रोल ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर से संबंधित है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है इन फेडरल सिस्टम वॉज ऑलवेज कंट्रोवर्शियल, और ख़ास करके जो संघवाद की अवधारणा थी उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ही जो है कह सकते हो कि विवादास्पद रहा है, विरोधास्पद रहा है। ठीक है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव द रीजन फॉर योर आंसर, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, अगर हैं तो आप इसका उत्तर दें और नहीं तो आप इसके विपक्ष में तर्क दें या पक्ष में तर्क दें। तो जो भी आप देखोगे प्राइम मिनिस्टरशिप गवर्नमेंट है और ऐसे भी यूनियन गवर्नमेंट को अधिक पावर है और प्राइम मिनिस्टरशिप की निगरानी में ही बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे नीति आयोग की बैठक वगैरह हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह बनाया जाता है, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के नेतृत्व करते हैं, पूरे देश की सरकार उनके हाथों में है, थोड़ी बहुत खटासें होती रहती है, और ख़ास करके जब डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और सेंटर में बनती है तो इट्स थोड़ी बहुत वो कॉन्फ्लिक्ट और विवाद क्रिएट करती है, लेकिन मोर और लेस भारत में संघवाद की प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और बहुत सुचारू और समन्वयता के साथ जो है भारत राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ सारे के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसके जो पेपर टू का क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पेपर वन का सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों हम लोगों ने देख लिया, तो सारे क्वेश्चन जो है हमें यहाँ रीड करके जहाँ तक हो सका समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।